नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब उर्दू जी एस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने हिंदी सब्जेक्ट इसलिए शुरू किया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले लगभग लगभग बहुत सारे एग्जाम हो, सभी एग्जाम हो, लगभग लगभग सभी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम हो, चाहे यूपी पीएससी हो, चाहे आरओ यारओ हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, सारे एग्जाम्स में हिंदी पूछा जाता है। और उसी क्रम में ये आज हमारा चौथा क्लास है। तो पिछले क्लास में हम स्वर के वर्गीकरण के बारे में बता रहे थे आपको, स्वर के वर्गीकरण के बारे में हम आपको बता रहे थे। और हमने बताया था कि जो स्वरों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। और लास्ट में पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि मात्रिक और अमात्रिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। उसके बाद स्वर के कुछ विभाजन भी किए जाते हैं, तीन, वो हम आपको स्वर के विभाजन आज बताएंगे। स्वर के विभाजन, स्वरों के वर्गीकरण पर आपकी बात, हमारी बात और आपकी बात हो चुकी है। अब लास्ट में एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, छोटा सा भाग है उसका, स्वरों का विभाजन। तो स्वरों का विभाजन तीन प्रकार से होता है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं ये, और आप लोग इसको गलत करके चले आते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा और कंसंट्रेशन बनाइए। स्वरों का विभाजन, ठीक है, तो पहला निरुनासिक, दूसरा अनुनासिक और तीसरा अनुस्वार, ठीक है। ये तीनों अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, किसी भी पेपर में जिसमें हिंदी भाषा पूछा जाता है, चाहे वो, उस दिन हमने पूरी लिस्ट बताई थी, यूपीएसआई हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे लेखपाल का हो, यूपी ट्रिपलसी का कोई भी हो, और यहाँ तक कि यूपी पीएससी में, आरओ यारओ में, सब में पूछा जाता है। तो स्वरों का विभाजन देखिए तीन तरीके से किया गया है, पहला है निरुनासिक, दूसरा है अनुनासिक और तीसरा है अनुस्वार। अब आप बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझिए कि निरुनासिक क्या है। जहां भी निरुनासिक आप देखें, आप ये जान जाएं कि वायु केवल मुख से निकल रही है, जैसे आ आ ई, वायु केवल मुख से निकल रही है, नाक से नहीं निकल रही है। अब आप समझ गए होंगे, लिखा हुआ है उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है। निरुनासिक में हम बता रहे हैं, निरुनासिक स्वरों के विभाजन में पहला है निरुनासिक, तो निरुनासिक में हम बता रहे हैं कि उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया आ आ ई, देखिए छोटा आ बड़ा आ और छोटी ई, आप कह के देखिए वायु केवल मुख से निकल रही है, नाक से नहीं निकल रही है, आ आ ई, ठीक है। वहीं पर तो इतना तो आप ये निरुनासिक समझ गए होंगे कि वायु केवल मुख से निकलती है। अगर वहीं पर हम बात करें अनुनासिक की, तो अनुनासिक की अगर हम बात करें तो इसमें वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है। इसका भी एग्जांपल अभी देंगे हम, इसमें इसके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है। जैसे आ, हमने हमने कहा आंख, आंख, तो खा तो बाद में आया, उसको रखिए किनारे, आ बोलिए आ, तो आ जब आप कहते हैं तो नाक से तो निकलता ही है वायु, प्लस मुख से भी निकलता है साथ में। तो हमने कहा कि उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, आ, या फिर ई, ईंट कहिए आप, तो टी तो बाद में आया, टा बाद में आया, उसको रखिए किनारे, ई का उच्चारण करिए आप, ई या आ, निकला ना नाक और मुंह दोनों से। तो वही हम कह रहे हैं कि अनुनासिक का जब भी आप परिभाषा जाने तो इस परिभाषा को पढ़ लें कि उच्चारण में वायु किसके उच्चारण में, अनुनासिक जो स्वर है अनुनासिक, उनके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से साथ में निकलती है, जैसे आ और ई, हमने बताया अभी ना आ और ई। वहीं पर निरुनासिक हमने बताया था कि वायु केवल मुख से निकलती है, छोटा आ बड़ा आ और छोटी ई या बड़ी, ठीक। अब ये दोनों आप समझ गए होंगे। वहीं पर अगर हम कहें कि अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, तो अनुस्वार क्या होता है, यहां तो हमने बताया था अनुनासिक में आपको कि वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है,
लेकिन अनुस्वार में केवल और केवल नाक से जब वायु निकले तब समझ जाइए कि ये अनुस्वार है। देखिए अनुस्वार में, देखिए उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, लेकिन वही अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से वायु निकलती है, और वही निरुनासिक में केवल मुख से निकलती है। और अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से वायु निकलती है, और एग्जाम्पल भी हमने दिया है आपको। ये देखिए अब एग्जाम्पल के सहारे आप अच्छे ढंग से समझेंगे, कहने का मतलब ये है, इसलिए एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। देखिए अनुस्वार में क्या है कि वायु केवल और केवल नाक से ही निकलती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने कहा भंगुर भंगुर, क्या कहा भंगुर भंगुर, नाक से निकल रही है, अंकुर अंकुर या अंकित अंकित, आप कह के देखो नाक से निकल रही है वायु, केवल और केवल नाक से निकल रही है, अंकित अंकित, ठीक। जब मुंह से निकलने की बारी आती है तब तक तो आप चुप हो जाते हैं, अंकित भंगुर भंगुर अंकुर, ठीक। तो जब वायु केवल नाक से निकले तो अनुस्वार, जब वायु केवल नाक से निकले तो अनुस्वार, और जब वायु नाक और मुंह दोनों से निकले तो अनुनासिक, और जब वायु उच्चारण के समय, उच्चारण के स्थान पे हम बता रहे हैं, जब उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकले तो निरुनासिक, और उच्चारण करते समय जब वायु नाक और मुख दोनों से निकले तब अनुनासिक, और उच्चारण करते समय जब वायु केवल और केवल नाक से निकले तो अनुस्वार। तो मेरे ख्याल से आप निरुनासिक अनुनासिक और अनुस्वार ये तीनों आप समझ गए होंगे। आप नोट भी कर लीजिए, एक बार आप समझ गए ठीक है, लेकिन जब उसको दोबारा पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिमाग से हो जाएगा साफ। अब आपका यहाँ पर अब जाके आपका स्वर खत्म हुआ है, अभी तक तीन चार क्लासों से सिर्फ स्वर चल रहा था, अब आप आएंगे हमारे साथ व्यंजन पे बात करेंगे, व्यंजन पे बात करेंगे। तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, व्यंजन का उच्चारण स्वर स्वर की सहायता से होता है, व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। वही लिखा हुआ है कि इनके पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने कहा का खा गा और घा, तो का कहने के लिए का और आ दोनों की आवश्यकता पड़ती है, मित्र पड़ती है, का और आ दोनों की आवश्यकता पड़ेगी तभी का निकलेगा, तभी का निकलेगा। और खा खा भी उच्चारण इसका खा तभी निकलेगा जब आप खा और आ को मिलाएंगे, तभी खा निकलेगा, खा और छोटा आ को मिलाएंगे तभी खा निकलेगा, का और छोटा आ को मिलाएंगे तभी का निकलेगा, गा और छोटा आ को मिलाएंगे तभी गा निकलेगा। तो हमने शुरू में ही कहा कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन के उच्चारण में। तो यहाँ देखिए का के उच्चारण के लिए आपने का और आ दो, ये देखिए स्वर की जो है स्वर की सहायता ली कि नहीं ली, यहाँ स्वर की सहायता ली कि नहीं ली, यहाँ स्वर की सहायता ली कि नहीं ली। उसी तरह से यहाँ घा में घा और छोटा आ, तो तभी तो घा निकला, तो स्वर की सहायता ली कि नहीं ली। वही हम कह रहे हैं कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। दिख रहा है साथियों नीचे तक, जी ठीक है दिख रहा है। और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या 33 है। आप सभी लोगों से निवेदन है साथियों कि क्लास पूरी देखा करें और बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करें। मैं पूरी प्रयास से पढ़ा रहा हूँ, पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग नोट्स जब बना लेंगे तो किसी भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार अगर देखेंगे नोट्स तो आपको सारी चीजें ताजा हो जाएंगी। हमने कहा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 यानी 33। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 है। अब उस 33 में तीन चार प्रकार के व्यंजन शामिल हैं। जिस तरह से हमने स्वर के वर्गीकरण को बताया था और स्वर के विभाजन को बताया था, उसी तरह से यहाँ व्यंजन का भी वर्गीकरण है और व्यंजन का भी विभाजन है। देखिए
उच्चारण के आधार पर तो 33 है। अब इस 33 में कौन कौन से प्रकार के व्यंजन शामिल हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन तीनों प्रकार के व्यंजनों को हम आपको बारी बारी से डिटेल में समझाएंगे। वहां तक पहुंचने से पहले ये चीजें आप जान लीजिए कि स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, कुल मिला के 25, 4, 29 और 4, 33 हो गए। तो वही हमने कहा कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है, लेकिन लेखन के आधार पर या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 है। इसमें 6 एक्स्ट्रा शामिल हो जाते हैं। कौन कौन शामिल हो जाते हैं? देखिए, लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 और 6 39 हो गई। 33 तो ये हो गए जो हमने बताया, स्पर्श व्यंजन, अंतास व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, प्लस 6 कौन हो गए? 6 में अढ़ा और अंगा हो गए, 2 अढ़ा और अंगा, और 4 संयुक्त व्यंजन हो गया। तो हम आपको स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन सभी व्यंजनों के बारे में बारी बारी से डिटेल में समझाएंगे और लिखवाएंगे। वहीं पर हमने कहा कि हिंदी वर्णमाला में भी व्यंजन 39 बताए गए हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 39 बताए गए हैं, और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने बताए गए हैं? 13। तो स्वर कितने बताए गए? 13, और व्यंजन कितने बताए गए? 39। तो 13 और 39 मिलकर 52 हो गए। इस तरह से अर्थात आप कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम चलेंगे साथियों, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बताएंगे। तो एक बार देख लीजिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो मिटा रहे हैं इसको हम। तो अब हम आपको बताएंगे स्पर्श व्यंजन से, क्योंकि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, हमने आपको बताया। तो स्पर्श व्यंजन से हम शुरुआत करते हैं। ये स्पर्श व्यंजन क्या है? 25 होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। हमने कितने बताया था? 25। इसमें इसका थोड़ा सा जो है अर्थ जान लीजिए, समझ लीजिए कि जीभ जैसे मूल उच्चारण अगर हम कर रहे हैं व्यंजनों का, तो उसमें जीभ, कंठ, तालु, मूर्धन्य, जीभ, कंठ, तालु और मूर्धन्य, क्या हमने कहा? जीभ, कंठ, तालु और मूर्धन्य को स्पर्श करे। जीभ जब जबान, कंठ, तालु, मूर्धन्य, कंठ, तालु, मूर्धन्य को स्पर्श करे जबान, तो उनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। हमने कहा ना स्पर्श व्यंजन। तो जब जीभ, कंठ, तालु, मूर्धन्य को स्पर्श करे, तो ऐसे उच्चारण होने पर उनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो इनमें बहुत सारे आते हैं। देखिए, का वर्ग हो गया, 25 हमने बताया आपको। सॉरी साथियों, का वर्ग हो गया, टावर्ग हो गया, ठीक, टावर्ग हो गया, और
टा वर्ग हो गया, इसी में वा वर्ग और पा वर्ग, वा वर्ग और पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, वा वर्ग और पा वर्ग, सॉरी ये वा नहीं है, ता है, ता वर्ग, ठीक। तो का वर्ग में देखिए, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, का, खा, गा, घा और इसी में जो है अंगा हो गया, ठीक। अब चा में, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा और इसी में या, या, ठीक। टा में, टा वर्ग में, टा, ठा, डा, ढा और इसी में अड़ा, ठीक। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है साथी। अब तावर, ता, था, दा, धा और ना, ठीक है। पावर में देखिए, पा, था, बा, धा और मा, तो कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पचास, पच्चीस, ये हो गए कितने, पच्चीस, ठीक है। तो ये सब स्पर्श व्यंजन है। हमने कहा कि जब जीभ कंठ तालु और मूर्धन्य को स्पर्श करे तब जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन सभी वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। समझ गए होंगे साथियों, यहां पर ये जो अंगा है देखिए, अंगा, अंगंठ, कंठ, कंठ से निकल रहा है अंगा, अंगा कंठ से निकल रहा है और यहां 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 कहके देखिए यहां तालु से निकल रहा है, तालु से, ठीक, तालु से निकल रहा है। वहीं पर अड़ा, अड़ा ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य, अड़ा क्या है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। और ना, 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 ना कह के देखिए आप, ना, ना दंत से निकल रहा है, ना, ना, दंत। मा, मा वष्ट से निकल रहा है, मा, मा, जब तक ओट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मा निकलेगा ही नहीं, मा ओट से निकल रहा है, ओष्ट, समझ गया। तो हमने कहा कि जब जीभ कंठ तालु और मूर्धन्य को स्पर्श करता है तब जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन सभी वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब आप मेरे ख्याल से इस स्पर्श व्यंजन को समझ गए होंगे अच्छे से, भली भांति जान गए होंगे। इसी में होता है स्पर्श, इसी का टाइप है स्पर्श व्यंजन का, ये दूसरा है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसको भी आप समझ लीजिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन देखिए, चा, छा, जा, चा, छा, जा और झा, संघर्षी व्यंजन, इसी इसका नाम ही स्पर्श भी करे पर संघर्ष भी करे, जैसे चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा और झा, हो गया, समझ गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है। अब समझ गए होंगे संघर्षी व्यंजन, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन था। इसी में एक है क्या, इसी में एक है केवल संघर्षी व्यंजन, संघर्षी,
व्यंजन, ये हमने ऊपर वाला जो बताया वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, लेकिन ये केवल संघर्षी व्यंजन है। इसमें क्या होता है, फा वा शा, देखिए फा वा शा, ठीक, फा वा शा सा और हा, तो ये केवल संघर्षी व्यंजन है। और ऊपर वाला स्पर्श संघर्षी व्यंजन था, स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा छा जा झा झा, और केवल संघर्षी व्यंजन जो है हा, सिर्फ संघर्षी व्यंजन है हा वा शा और हा। इसी में एक है नासिक के व्यंजन, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, इसी में एक है नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन मतलब नाक से जो निकलता है, अंगा हो गया, या हो गया, ना हो गया और मा हो गया, अंगा या ना और मा, तो ये नासिक के व्यंजन हो गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए, हो गया साथियों, आगे चलते हैं साथियों। इसी में दो व्यंजन और होते हैं, कौन कौन से, अड़ा और अढ़ा, तो वो कैसे व्यंजन है बताते हैं आपको। दो व्यंजन इसमें और होते हैं, अड़ा और अढ़ा, वो कैसे व्यंजन है, तो वो कैसे व्यंजन है हम आपको बताते हैं। हमने कहा कि दो और होते हैं, अड़ा और अढ़ा, तो जीभ जब जल्दी जल्दी ऊपर नीचे आए, ऊपर से नीचे जल्दी जल्दी आए, जैसे अड़ा अड़ा, एक बार ऊपर फिर नीचे फटाक से जल्दी से आता है नीचे, अड़ा और अढ़ा, अड़ा और अढ़ा, तो इनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, अड़ा और अढ़ा। पूछ लिया जाता है पेपर में इन्हीं, यहीं से तो पूछा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वन डे एग्जामों में, तो द्विगुण व्यंजन इन्हीं को कहते हैं। जब जीभ जल्दी जल्दी ऊपर और नीचे एक सेकंड में, अड़ा और अढ़ा, तो वही द्विगुण व्यंजन होते हैं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाए। तो ये था स्पर्श व्यंजन जो हमने आपको बताया था, स्पर्श व्यंजन ये 25 होते हैं, ठीक। और स्पर्श व्यंजन में कुछ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, उनका भी एक टाइप है, वो भी हमने बता दिया। कुछ केवल संघर्षी व्यंजन है, उनको भी हमने बता दिया। और एक नासिक व्यंजन है जो नाक से बोला जाता है, वो भी हमने बता दिया। तो व्यंजन का जो स्पर्श संघर्षी स्पर्श व्यंजन है वो हमने बताया। कल आपको, कल की क्लास में हम अंतस्थ व्यंजन बताएंगे, अंतस्थ व्यंजन के बाद में हम बताएंगे आपको उस व्यंजन बताएंगे, अंतस्थ व्यंजन बताएंगे कल की क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक समाप्त हो गई साथियों। कल की क्लास में हम अंतस्थ व्यंजन बताएंगे, उस व्यंजन बताएंगे और संयुक्त व्यंजन बताएंगे। तो क्लास आप पूरा देखा करें, प्लस नोट्स भी बनाया करें। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है बार बार हमारा, कि जो नए लोग हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट किया करें, कमेंट में प्रश्न पूछा करें, उस प्रश्न का जवाब हम आपको देंगे। लाइक किया करें, शेयर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।